दया गवाही ना दे तो नहीं चल सकता। ये आप क्या कह रहे जेठा भाई, अगर दया बहन गवाही नहीं देगी तो चड्डी गैंग के मेंबर सजा से बच जाएंगे। अरे लेकिन दया गवाही देगी तो हम सब नहीं बचेंगे, उसका क्या? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि चड्डी गैंग का आदमी घर पे आया था हमको धमकी देने के लिए। आपके इलाके में हमारी पेट्रोलिंग जीप पेट्रोल करती रहती है, मैं उन्हें कह देता हूँ कि आपकी सोसाइटी पर भी वो वॉच रखे, और आप दोनों भी जरा सावधानी बरतिएगा प्लीज। अगर आपने कोर्ट में गवाही दी तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कब कहाँ जाता है हमको सब खबर है। एक बार फिर सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। बस अभी अभी पुलिस की जीप सोसाइटी में आके गई है। ठीक है, मैं वॉच रखता हूँ। दया बेन सीधे तरीके से नहीं मानती है ना, तो एक प्लानिंग करो। उसके पति जेठालाल को ही किडनैप कर लो। ओके बॉस, आधे घंटे में पार्टी यहाँ पे आ जाएगी, आप लेट मत करना वरना 200 लाख की डील कैंसिल हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बागा, शुभ शुभ बोल, मैं अभी फटाफट घर से निकल के दुकान पहुँचता हूँ। तब तक तू एक काम कर, तू एक फूलों का गुलदस्ता और एक ठंडा मंगा कर रख। नहीं नहीं सेठ जी, क्या है बारिश का मौसम है ना, इसलिए मैं ठंडा पीता हूँ तो मुझे तुरंत जुकाम हो जाता है। अरे भाई तेरे लिए नहीं, पार्टी के लिए मंगाने की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो 200 लाख का ऑर्डर लाया ना मैं आपके लिए, तो आप खुशी खुशी मेरे लिए बुके और ठंडा मंगा रहे हो। अरे भाई तू इसी तरह बातें करते रहेगा तो मुझे दुकान आने में और लेट हो जाएगा। ये बाघा भी एक नंबर का नंग है नंग। बाबू जी मैं दुकान जा रहा हूँ, जय जिनेन्द्र। चलो दे। नहीं नहीं नहीं, आप दुकान नहीं चल सकते। क्यों? अरे गुंडों की धमकी भूल गए, हमें सावधान रहना पड़ेगा ना। अरे दया तू गवाही देने वाली है, तुझे सावधान रहने की जरूरत है, मुझे नहीं। हाँ, पर मत कर। अरे भाई बहुत बड़ी पार्टी के साथ बहुत बड़ी डील होने वाली है, एक बार तो मीटिंग कैंसिल की, बार बार मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। बापू जी आप जरा टप्पू के पापा को समझाइए ना। देख जेठा, तेरी पार्टी के साथ मीटिंग है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बहू की चिंता भी सही है। बापू जी मैं खाली मीटिंग करके फटाफट वापस घर पे आ जाऊंगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप पार्टी को घर पर ही बुला लीजिए ना। धंधा ऐसा नहीं होता दया। जेठिया तू एक काम कर भाई, मीटिंग कैंसिल कर दे। बापू जी 2 करोड़ की डील हाथ से चली जाएगी। अरे भाई सर सलामत तो पकड़ी 1000। हे भगवान, बापूजी को कैसे समझाऊं? हाँ अच्छा, अगर मैं ऐसे तो दुकान जा सकता हूं ना। अरे दया चिंता मत कर, गुंडों को पता भी नहीं चलेगा। जोनी भाई मैं गोकुलधाम सोसाइटी के गेट पर ही हूँ, जेठालाल अब तक घर से नहीं निकला है। ठीक है, तुम उसके ऊपर ध्यान रखना, वो तुम्हारी नजर से बचना नहीं चाहिए। जैसे ही जेठालाल बाहर निकले खबर कर देना। ओके जोनी भाई। बोलिए, इसमें कोई मुझे पहचान सकता है कि मैं जेठालाल हूँ? है दया? तो फिर ऐसे तो कोई नहीं पहचानेगा भाई, लेकिन तेरी आवाज से पहचान लेगा। आवाज भी बुजुर्ग जैसी रख। ये ठीक कहा आपने बापूजी, ये ठीक है। चलो जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र बापू जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र टप्पू। जय जिनेन्द्र बाबा।
दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, संभल के जाना। तेरे अलावा इस नाम से मुझे और कौन बुलाता है? हाँ, वो भी है। Nonsense. Sorry. All best. ठीक। संभल के जाना। हाँ? चलो भी अंदर चल। अरे बस 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 बस। अरे वाह, चलो रिक्शा कंपाउंड में मिल गई। बबीता जी, लगता है बबीता जी मुझे ड्रेस में पहचान नहीं रही है। ये अय्यर भाई का क्या इतना लगाव है बबीता जी के साथ? जब देखो तब साया की तरह पीछे पीछे चिपके ही रहते। रिक्शा, 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 रिक्शा! अय्यर, रिक्शा रोको ना। आप चिंता मत कीजिए, वो रिक्शा लेके अभी आ जाएंगे चाचा जी। चाचा जी, हे भगवान, आप मुझे कोई भी मुसीबत में बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बबीता जी मुझे चाचा जी बोले ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ बबीता? वो रिक्शा वाले को मैंने बहुत आवाज दिया, लेकिन वो एकदम फास्ट निकल गया। सॉरी अंकल जी। अंकल, 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 तुम होंगे अय्यर। अय्यर, मुझे मेरा नाम कैसे पता है? ओ अरे, मेरा नाम कैसे जानते हो? वो जेठालाल ने बताया। आप जेठा जी के चाचा जी हो? अच्छा, तभी मैं सोचूं, आप दोनों का चेहरा बहुत मिलता जुलता है। नमस्ते चाचा जी। अरे अरे, क्या कर रही है बबीता जी आप? अरे, आपकी तो आवाज भी जेठा जी जैसी है। अरे बबीता जी, मैं चाचा जी नहीं, मैं जेठा जी हूँ। एक मिनट, ये पकड़ी। अरे, ये तो जेठालाल है, बुड्ढे के गेटअप में है। जेठालाल, क्या कर रहे हो यार भाई? जीठा जी, आप ऐसे बूढ़े के गेटअप में क्यों घूम रहे हो? सब किस्मत का खेल है बबीता जी। कई किस्मत का खेल नहीं है बबीता, इंसान सिर्फ दो ही कारणों से गेटअप बदल कर घूमता है। एक, गलत काम किया हो उसको छुपाने के लिए, और दूसरा, किसी को पैसे देना बाकी हो तब। अय्यर भाई, आप टाइपिस्ट है ना? साइंटिस्ट। हाँ वही तो। आप संशोधन करके अपने लिए कोई ऐसा वॉशिंग मशीन बनाओ ना, जिसमें आप अपना दिमाग धो सको। क्या मतलब? क्या मतलब, क्या क्या मतलब? अरे बबीता जी, कैसी बात कर रहे हैं यार भाई? दो बार आदमी ऐसे भेस बना के घूमता है, जब भी गलत धंधा किया हो या किसी का पैसा देने के बाद, ऐसे क्या बात कर रहे हैं? तो फिर जेठालाल, तुम इस गेटअप में क्यों घूम रहे हो? बबीता जी, आपको तो मालूम है दया हो,
चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ। तो चड्डी गैंग वालों ने अभी धमकी दी है कि हम लोग तुम्हें देख लेंगे, तो अभी वो लोग मुझे देखना ले, इसके लिए मैं ऐसा भेष बदल कर दुकान जा रहा हूँ। क्या मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी है? झाड़ालाल, आई एम सॉरी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक जेठा जी, एंड डोंट वरी, इस गेटअप में आपको चड्डी गैंग वाले बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। अरे बबीता जी, आप मुझे नहीं पहचान पाए तो चड्डी गैंग वाले क्या खाक पहचानेंगे? झाड़ालाल जल्दी निकलो, तुमको लैंड हो जाएगा। ओके बबीता जी। ओके ओके ओके, सी यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके। जेठालाल मुझे बेवकूफ बना रहा है। जॉनी भाई आ राजा, जेठालाल अभी अभी रिक्शा से अंधेरी इश्क की ओर जा रहा है। गुंडे के गेटअप में धोती कुर्ता और मंकी कैप पहना हुआ है। तब तो वो गांधीनगर सिग्नल पर ही मिलेगा। रिक्शा नंबर बोल। MS02QA3125। ठीक है। ओके जॉनी भाई। ये सेठ जी कहाँ रह गए? हाँ हेलो। हाँ सेठ जी, कहाँ हो आप? मैं बस रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। जल्दी आइए सेठ जी, वो पार्टी यहाँ पे आ गई। नहीं नहीं, अभी 10-15 मिनट में आ जाएगी। अरे उसके पहले तो मैं पहुँच जाऊँगा भाई। हाँ जल्दी आइए। भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या है, रिक्शा खाली नहीं है? मैं अंदर बैठा हूँ, दिख नहीं रहा। अरे अंकल कब से खड़े हैं, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही है, थोड़ा अर्जेंट है। अरे भाई तुमसे ज्यादा अर्जेंट मुझे है, देखो इसीलिए भगवान ने मुझे रिक्शा दिया। आप वेट करो, दूसरा रिक्शा मिल जाएगा। हाँ सब्र का फल मीठा होता है। उतरो प्लीज अंकल, आप हमें लिफ्ट दे दो ना। देखो भाई लिफ्ट और गिफ्ट कभी जबरदस्ती नहीं मांगते। हाँ उतरो। तो आप हमें लिफ्ट नहीं देंगे? सॉरी उतरो। तो हम आपको लिफ्ट देते हैं। चलो भाई। नहीं चलो क्या, रुको भाई। तेरे को बुला ना, चल। अरे चल भाई, इनको लेट हो रहा है, अर्जेंट है इनको, चल चल। क्या बारिश का टाइम है ना, रिक्शा नहीं मिलती है। बराबर है, तो आपने प्यार से समझाया तो समझ गया वो। अरे चलो बैठे क्या भाई, चलो जल्दी रिक्शा चालू करना भाई, चल निकल जल्दी। चल चल भाई। हाँ बोल। यहाँ पर नाकाबंदी है। अच्छा ठीक है, गाड़ी राइट से ले। सुन। हाँ भाई ठीक है भाई। भाई राह देख रहे हैं, रक्षाबंधन कभी है? राइट में ले। अच्छा आपको राइट में जाना है, मुझे लेफ्ट में जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप को उतार के फिर मैं जाऊंगा। 5 मिनट लेट और क्या, आपको अर्जेंट है ना? एक हजूर साइड में रिक्शा रोक, चल।
चलो अंकल। ओके बाय बेटा। अच्छा बैठ के पका रहा इधर चल। अरे 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 क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हो भाई? अरे मेरी बात तो सुनो, किधर लेके जा रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे 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 छोड़ो, अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बंद कर तेरी टीटी, हम किसी से नहीं डरते। ये तो अच्छा है तुम लोगों को पहले से चेतावनी मिल रही है, नहीं तो हम हमारे दुश्मन को जिधर लेके जा रहा है ना उधर चुपचाप चल। जब से रिक्शा से उतरा है तेरी टीटी टीटी चालू है भाई। रिक्शे में भी ऐसे ही था बेटा, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, इस उम्र में हो जाती है बड़बड़। ये जेठालाल बस हो गया अभी, बंद कर तेरा नाटक। कौन जेठालाल? मैं जेठालाल नहीं हूँ। ये फैंसी ड्रेस, तू जेठालाल नहीं है? नहीं बेटा। ठीक है हम बनाते तेरे को। ए चलो इसका तामझाम निकालो निकालो। अरे बेटा क्या कर रहे हो बेटा? देखो अरे भाई 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 नहीं, मैं ही हूँ जेठालाल, मैं ही हूँ। देखिए आपने मुझे पहचान लिया, मैंने आपको पहचान लिया, तो हम तो अच्छे पहचान वाले निकले। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम दोनों मेरी दुकान पे जाते हैं, ये सबको छुट्टी दे दो, उधर ज़्यादा पब्लिक का ज़रूरत नहीं है। हम दोनों आमने सामने बैठ कर शांति से बात करते हैं, उधर चाहिए तो आप थोड़ा चाय पानी पी लेना। चाय पानी पीते ना। येश! येश! चलो भाई किधर लेके जाना बोल रहे, लेके चलो, उठाओ चलो चलो चलो। येश! येश! चलो भाई किधर लेके जाना बोल रहे, लेके चलो, उठाओ चलो चलो चलो। कौन है? कौन है? दोस्तों दया भाभी जिस गति से जेठालाल को बचाने के लिए निकली, उनके सामने मिसाइल की गति भी फीकी पड़ जाए। मासूम कबूतर से दया भाभी ने शिकारी बाज का रूप धारण कर लिया और
ये रूप धारण क्यों ना करे। भारतीय नारी अपने पति को बचाने के लिए किसी भी तरह की लड़ाई लड़ सकती है और दया भाभी भी आज अपने पति को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दया भाभी एक तरफ और दूसरी तरफ जेठालाल को पकड़े हुए गुंडों की टोली, क्या होगा इसकी कल्पना करना भी लगभग असंभव है। ना मैं सोच सकता हूं, ना मैं कुछ जान सकता हूं अभी के इस वक्त क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तय है, एक्शन क्वीन बनी हुई दया भाभी जब इन गुंडों की टोली पे टूट पड़ेगी तब नजारा देखने लायक होगा। भाई ये बिल्कुल अलग नजारा होगा जो ना आपने सोचा होगा ना कभी देखा होगा। बस तैयार रहिए देखने के लिए कि दया भाभी क्या करती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।